व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं फैन केक। तो यहाँ पर हम बॉल में डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे कि क्या हम डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम पहले दूध डाल देंगे। दूध हमने गर्म लिया है, आपने ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, नीम गर्म आपने लेना है। एक कप हमने यहाँ पर दूध डाला है और इसमें हम ईस्ट डालेंगे। ईस्ट हम एक चम्मच डालेंगे। और इसमें आप बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा आप इसमें आधा चम्मच डालेंगे। और अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी हम इसमें 4 चम्मच डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि ये अच्छी तरह हल हो जाए। अब हम इसमें अंडे डाल देंगे। हमने यहाँ पर 2 अंडे लिए, हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसको इसमें अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फेंट लेंगे अंडों को। हमने इसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1/2 कप पानी डालेंगे। और पानी को हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें मैदा डाल देंगे। मैदा हमने 2 कप लिया है। हम इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा डालकर मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें 1 चुटकी नमक डाल देंगे। और अब हम मैदा डालेंगे थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे इसको। इसका हमने बैटर बनाना है। हमने इसमें सारा मैदा डाल दिया है और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि इसका एक अच्छा पेस्ट बन जाए बैटर। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हम इसमें 3 चम्मच डालेंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो आपने बैटर इस तरह बनाना है। और अब हमारा बैटर तैयार है। तो अब हम चलते हैं फ्राई पैन की तरफ। यहाँ पर हमने फ्राई पैन ले लिया है और अब हम इसमें ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। तो अब हम इसमें अपना बैटर डाल देंगे। हम इसके पैन केक बनाएंगे। ये बहुत यम्मी रेसिपी है, आपने ये ज़रूर घर में ट्राई करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो हम पहले इसको एक साइड से पकाएंगे तो फिर दूसरे साइड से पकाएंगे। तो यहाँ पर ये एक साइड से पक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे कि दूसरे साइड से भी पक जाए। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, आपने आंच तेज़ नहीं करनी, फिर ये ख़राब हो जाएगा। जितनी आपकी आंच हल्की हो सकती है आपने उतनी आंच हल्की करनी है। तो यहाँ पर ये अभी सारे पक चुके हैं और अब हम इसके ऊपर शहद लगाएंगे पहले। हम इस तरह शहद लगाएंगे। पहले हम एक ले लेंगे और ब्रश की वजह से इसके ऊपर शहद लगा देंगे।
इस तरह लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर बादाम लगा देंगे। इस तरह बादाम लगा देंगे, इस तरह आप सब पे शहद लगा देंगे और बादाम लगा देंगे। और अब इसके ऊपर अखरोट भी लगा सकते हैं, और अब इसके ऊपर तिल भी लगा सकते हैं, सफ़ेद तिल। अब हम दूसरे के ऊपर सफ़ेद तिल लगाएंगे। तो पहले हम उसके ऊपर शहद लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर तिल लगा देंगे, सफ़ेद तिल। इस तरह हम सब बना लेंगे, तो फिर हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर ये अभी रेडी है, हमने इसके ऊपर शहद भी लगा दिया और बादाम भी लगा दिए। तो अब हम आपको तोड़ कर दिखाते हैं इसको। ये बहुत नरम है और ये बहुत टेस्टी भी है, इस तरह। और आपने ये ज़रूर घर में ट्राई करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।